सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम्यो मेडिकल जीप चैनल। जैसे कि अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि बहुत हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो कि जैसे कि मान लीजिए ओल्ड फर्स्ट ईयर है तो उनके एग्ज़ाम्स जो हैं अभी सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे या फिर अभी है ना कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। एंड उनके जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो करीब करीब जून में होने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स का मेरे से ये क्वेश्चन है कि बहुत एग्ज़ाम्स तो पास में आ रहे हैं लेकिन कॉलेज में हमारे उतना सब कुछ है ना, उतना अच्छे से कई चीज़ें नहीं बताई गई हैं, नहीं पढ़ाई गई हैं, तो हम लोग कैसे मैनेज करें, या फिर हमें डर लग रहा है बॉस के ना कि कहीं हमारी बैक ना लग जाए या इस तरीके की चीज़ें। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं उसी बारे में ना एक्सप्लेन करूँगा कि जिन लोगों के भी है ना, चाहे वो ओल्ड फर्स्ट ईयर हो चाहे न्यू फर्स्ट ईयर हो, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अपनी जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनके लिए है ना कैसे प्रिपेयर करें, है ना क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए उससे रिलेटेड। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि अभी से ही अच्छे से है ना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया तो अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स है ना अपने बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट जब रहेगा ना, लास्ट टाइम रहेगा, लास्ट टाइम में ये रहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ है ना रिविजन का चीज़ होती है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आप ये अगर आप नोट्स लिखने को बैठेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एंड जैसे कि अभी तक आपने नीट दिया था, नीट में क्या रहता है कि आपको ऑब्जेक्टिव की आदत होती है और जो है पेपर तो है ना सब्जेक्टिव है। एंड एक और चीज़ याद रखिए कि जो अभी तक के आपके जो इंटरनल असेसमेंट वाले पेपर थे ना, तो वो उसको देख के आप अपने मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर को जज मत कीजिएगा, क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट वाला पेपर था वो तो एक बहुत एक शॉर्ट फॉर्म था, मतलब है ना सिर्फ और सिर्फ टर्म के कुछ टॉपिक्स को लेके। लेकिन जब मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगा उसमें जो आपका पूरा इंटायर सिलेबस है वो सारा का सारा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है एज कंपेयर टू ये जो आपने इंटरनल असेसमेंट दिए थे उससे। ओके, तो सबसे मेन चीज क्या कीजिए आप कि अभी से ही, पहली चीज अभी से ही है ना नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए अपने सभी सब्जेक्ट्स के। मान लीजिए कि है ना कई स्टूडेंट्स का कहना है कि बॉस हमारे तो अभी कॉलेज में ना ढंग से है ना पढ़ाया ही नहीं गया तो फिर हम कैसे चीजें मैनेज करें। तो देखो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप है ना अगर आपके कॉलेज में ढंग से नहीं उतना पढ़ाया गया तो आप है ना यूट्यूब की है ना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं अब उससे रिलेटेड बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एनाटॉमी है, अगर आपकी कॉलेज में एनाटॉमी अच्छे से पढ़ाई जा रही है, आपकी एनाटॉमी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी मान लीजिए कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई उतना अच्छे से एनाटॉमी, या फिर आपके कई टॉपिक्स छूट चुके हैं, तो आप यूट्यूब पे TCML है उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको उसकी प्लेलिस्ट में कंप्लीट अपर लेम, लोअर लेम, हेड एंड नेक है ना, मतलब कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएंगी। आप उनको देखिए फटाफट है ना, उनके नोट्स बनाइए है ना देख के, और जो है उन्हीं को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। याद रखिएगा कि मेन जो चीज़ होती है ना वो रिविजन की ही होती है, और रिविजन भी कैसा ज़रूरी होता है, वो लिख के ज़रूरी होता है। आप जितनी बार हो सके ना उतनी बार है ना लिख के उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार हो सके उतनी बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। वो भी लिखना कैसे, आपको ये नहीं कि है ना कि बुक खोल ली है ना या नोट्स खोल लिया और उसको देख रहे हैं लिखे जा रहे हैं देख रहे हैं लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। नोट्स बंद कर दीजिए, देन फिर जो है टॉपिक अपना उठाइए कि है ना कि जो भी आपका टॉपिक है एंड उससे रिलेटेड आपको जो याद आ रहा है ना वो है ना लिखिए, देन देखिए कि आपको कितना याद है। ओके, एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जो प्रीवियस ईयर देखिए जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा हुआ है उनका तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने है ना कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा तो वो क्या करें कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं मिनिमम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएं और उसमें से जो है ना रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं है ना वो है ना देखें। मिनिमम 10 ईयर के पेपर तो कम से कम सॉल्व कर ही लें और उसमें से जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं मेजर मेजर 20-20 नंबर वाले या फिर 10-15 नंबर वाले, उनको है ना अच्छे से है ना कि एक जगह पे नोट कर लें कि जो है ना कि कौन सा टॉपिक है ना कितनी बार आया है, कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ किस टाइप से लिखना होता है। वेट फॉर सेकेंड, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं तो अपना लिखा है अपनी सर्जरी का। ठीक है, तो ये मैंने सारे टॉपिक्स है ना यहाँ पे है ना लिख रखे हैं कि जो है कौन सा टॉपिक जो है किस ईयर में है ना कितनी बार, कौन कौन सा टॉपिक जो है 20 नंबर वाले में आया था कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप एक जगह सबसे पहले उन टॉपिक्स को लिख लीजिए और जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा पहले तैयार कीजिए। ओके, इस तरीके से मैंने बताया कि रिविजन का याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप है ना लिखें उसे बिना देखे, क्योंकि एग्जाम में भी यही होगा, वरना तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ रटे जाते हैं लेकिन जैसे एग्जाम आता है ना, एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो फिर वहां पे हम लोग
ब्लैंक हो जाते हैं, नहीं ध्यान आता कि यार अब इसके बाद क्या था, क्या लिखें। ठीक है, तो एनाटॉमी का तो भाई TCML है, जोहरी MBBS है ना, और दी एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस है, और भी कई अच्छे चैनल्स हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की है, आप नोट्स नहीं बना पा रहे, आपको तुरंत में नोट्स या थोड़ा कुछ चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि जोहरी MBBS के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना, और सभी पार्ट्स के, अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक, है ना, न्यूरो वगैरह सबके, मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी, है ना, मिल जाएंगे आपको। तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके PDF सुन के, तो है ना, वहां से देख सकते हैं, तो आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। देन अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी का तो सिंपल सी चीज यही है कि आप एक ऐसी बुक उठाएं, या फिर देखिए अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बुक से, है ना, पढ़ें, मार्क कर लें, है ना, और जो है कहीं पे एक जगह पे उन्हें लिख लें, सिर्फ बुक से मार्क करने के बजाय, है ना, बुक से मार्क करके एक जगह पे कहीं पे लिख लें। ठीक है, और बुक में आप कोई भी सिंबलिंगम यूज कर सकते हैं, या कोई भी। फिजियोलॉजी तो देखो ये रहती है कि ईजी रहती है, तो आप, है ना, उसको आराम से लिख सकते हैं एग्जाम टाइम पे, मान लीजिए आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो भी आप फिजियोलॉजी आराम से लिख सकते हैं। देन फिर ये है फिजियोलॉजी का कि मान लीजिए आपके कई टॉपिक्स हमें छूट रखे हैं या आपको रिवाइज करने हैं, तो कैसे करें, तो फिजियोलॉजी के डॉक्टर प्रीति त्यागी लेक्चर्स हैं, अब वो देख सकते हैं। वो मान लीजिए अगर आपको वो थोड़े टिपिकल लग रहे हैं, तो और इजी कुछ चाहिए, तो और इजी में आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे, है ना, कोई भी टॉपिक, जो भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए ब्लड पढ़ना है, लेवर पढ़ना है, गॉल ब्लैडर पढ़ना है, वो पर्टिकुलर, है ना, यूट्यूब पे डालिए, आपको मिल जाएगा। एक चैनल है राजनीत करके, है ना, RAJNEET, है ना, राजनीत करके एक चैनल है, और वो भले ही नीट का पढ़ाता है, नीट की पढ़ाती है बंदी, लेकिन ये चीज़ रहता है उसमें कि वो कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारी फिजियोलॉजी के, उसमें भी मिल जाएंगे, और बहुत इजी फॉर्म में, बहुत शॉर्ट में उसने, ना, बता रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी फिजियोलॉजी में। ठीक है, फार्मेसी की तो मैं बता ही चुका हूँ, देखिए फार्मेसी का तो सिंपल सा चीज़ यही है कि डॉक्टर भावेश सर लेक्चर्स, ठीक है, डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, ठीक है, आप उसको देखिए, अगर आपने उससे नोट्स, आपके नोट्स हैं वेल एंड गुड है, नहीं है या आपको रिवाइज करना, तो आप उनको देखिए, है ना, और मैं गारंटी लेता हूं कि उससे बाहर उनकी जो पढ़ाया हुआ है, उनकी जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी की, तो उससे पढ़ाया हुआ उससे बाहर नहीं आएगा। ओके, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की, क्योंकि हमने भी प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस में यही देखा है। देन आती है आपकी ऑर्गेनन, ठीक है, देखिए मैं ऑर्गेनन का बताता हूँ। ऑर्गेनन में आप क्या कीजिए कि आपके, मान लीजिए अगर एफोरिज्म वगैरह सब, है ना, बताए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई हुई है, याद रखिए ऑर्गेनन में सिर्फ आपको एफोरिज्म्स ही नहीं करने, आपको एफोरिज्म पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ आरी डजन से तो आपको एफोरिज्म मिल जाएंगे। देन आप दूसरी बुक जैसे AK Das है, नागेंद्र बाबू है, इनकी हेल्प ले सकते हैं जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अगर ऑर्गेनन में आप उनको पहली प्रेफरेंस आ कि बुक पढ़िए, है ना, अगर आपको मान लीजिए बुक नागेंद्र बाबू या AK Das से भी दिक्कत आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें, है ना, तो जो है नोट्स अगर आपको चाहिए, तो चाहे अगर नहीं पढ़ पा रहे उससे और जल्दी चाहिए, तो आप चाहें तो, है ना, मेरे से नोट्स परचेस कर सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनन के नोट्स, है ना, मेरे से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वो बाय कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ओके, तो उसके लिए आप मुझे, है ना, मेरे टेलीग्राम पे, है ना, DM कर सकते हैं, मैं आपको, है ना, बता दूंगा जैसे भी होगा। देन ऑर्गेनन का तो ये हो गया। देन फिर आता है मटेरिया। मटेरिया याद रखिए, मटेरिया क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि, है ना, लास्ट टाइम पे बंदा भूल जाता है। तो फिर मटेरिया के लिए क्या कीजिए, मटेरिया का देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऑर्गेनन का भी बताना चाहूँगा। ऑर्गेन में कभी भी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं आता कि भाई एफोरिज्म लिखने को आ जाए। ऑर्गेनन में हमेशा कुछ इस तरीके का आता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे विद एफोरिज्म नंबर, आपको जो है ना, मान लीजिए डिस्क्राइब इंडिस्पोजिशन इन ब्रीफ, तो आपको विद एफोरिज्म नंबर, ठीक है, तो आपको एफोरिज्म नंबर लिखना होगा, देन फिर है ना कौन से एफोरिज्म नंबर है, देन फिर इंडिस्पोजिशन पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना होगा, या मियाज में जो भी है, तो फिर इस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा करना होगा। ओके, ऐसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अच्छी समझ जरूरी है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि जिनके पास नागेंद्र बाबू है या AK Das है, उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नोट्स भी मेरे हैं अवेलेबल। तो उसे भी मटेरिया का ये रहेगा कि मटेरिया में आप ये कर सकते हैं कि मटेरिया की देखिए, मटेरिया में दो तरीके का पोर्शन आता है, एक आता है मेडिसिन पोर्शन और एक आता है थ्योरेटिकल पोर्शन।
थियोरेटिकल पोर्शन में क्या होता है कि व्हाट इज मटेरिया मेडिका, व्हाट इज टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका, सोर्सेज ऑफ मटेरिया मेडिका, हाउ टू स्टडी मटेरिया मेडिका, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो 50-50 पार्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए वो 50% पार्ट जो है आपको नॉर्मल आपकी एलेंस में या फिर जो है बोरिक में नहीं मिलेगा। मटेरियल के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करता हूँ, जे डी पाटिल की मटेरियल मेडिका है। उसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उस PDF में से जो आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है मटेरियल का वो पूरा मिल जाएगा। एंड जो मेडिसिन वाला पार्ट है वो आप चाहे तो एलन से कर सकते हैं, चाहे जेडी पाटिल से कर सकते हैं, चाहे बोरिक से किसी से भी कर सकते हैं। सिंपल चीज़ यही होती है कि अगर मान लीजिए एग्जाम भी आता है तो एग्जाम में कैसे लिखना होता है, सबसे पहले नेम, कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, फिर जो है डाइथेसिस, टेम्परमेंट, नियाज्म, है ना, ये सब चीज़ें है ना लिखनी होती हैं। देन फिर है ना गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स में आपको उससे रिलेटेड जो आ रहा है ना, उससे रिलेटेड जो मेडिसिन से रिलेटेड याद रहा वो पूरा घुसेड़ दो। देन फिर उसके बाद मेंटल्स, फिजिकल्स और जो भी इस तरीके का। मान लीजिए कोई मेडिसिन का पर्टिकुलर अगर सिस्टम ही पूछा हुआ है तो उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें भी ये चीज़ें तो बेसिक है, नेम, कॉमन नेम, प्रूवर, मियाज्म, डाइथेसिस, टेम्परमेंट, ये पूरा चीज़ें लिख के देन फिर जो है ना सिस्टम पूछा हुआ है वो, देन फिर लास्ट में जो है उसकी मोडालिटीज़, अग्रवेशन। मोडालिटीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मटेरिया का तो ये हो गया। मटेरिया में मान लो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो जो है आप क्या कर सकते हैं कि कई सारे मटेरिया के चैनल्स हैं, डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी है और जो है मेडीबडी है और इनसाइड रीड एंड ग्रो है, इस तरीके के कई सारे चैनल्स हैं जिसपे आपको मटेरिया के भी है ना वीडियोज़ है ना काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट है ना एग्जाम को लेके। और मैं सच बता रहा हूँ कि आप जो है ना अभी से लिखना शुरू कीजिए, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए ना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना कि लिखने की प्रैक्टिस होती नहीं है और वहाँ एग्जाम में जाके गड़बड़ हो जाता है। और यकीन मानिए कि एग्जाम जो होता है ना उसमें पेज मैटर करते हैं, ये नहीं होता कि आपने सिर्फ टू द पॉइंट लिखा एंड बस हो गया, है ना। आपका अगर कंटेंट थोड़ा भरा भरा सा नहीं दिखेगा, मान लीजिए है ना सही एक अमाउंट में, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो 5 से 6 पेज में नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं उसको 2 पेज में समेट दूं, 3 पेज में समेट दूं तो मुझे 20 नंबर मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। मोस्टली केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है कम से कम 5 पेजेस। 10 मार्क्स का है कम से कम जो है 5 से 6 पेजेस, 20 मार्क्स वाले में 5 से 6 पेजेस मिनिमम, 5 वरना तो 6 पेजेस, ठीक है। और मान लीजिए जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 पेज, मिनिमम 3 वरना तो 4 पेज। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 वरना 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस डालें। दूसरी चीज़, सीरियस हो जाएं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि याद रखिए बैक बहुत बुरी चीज़ होती है। तो कोशिश करिए कि है ना अभी से ही अपनी है ना पूरी प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि अभी तक का क्या था कि हाँ ठीक है भाई चल रही थी एंजॉयमेंट वाली ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आ गया। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई है ना क्यूरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।